नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने चैनल BSA ट्रिकी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए कंप्यूटर और करंट जीके के मिक्सअप में क्वेश्चन लेकर आए। ये सभी क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज के क्वेश्चन आप लोगों के लिए इस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आज के क्वेश्चन आपको काफ़ी पसंद आएंगे। तो आज हम टॉप 50 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक अपने चैनल BSA ट्रिकी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आप लोगों को अपने इस एग्जाम से रिलेटेड हर वो इन्फॉर्मेशन मिलती रहे जो कि आपके एग्ज़ाम में आने वाली है। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के अपने टॉपिक की, कंप्यूटर प्लस करंट जीके। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की, क्या है हमारा एंड्रॉयड क्या है? क्या आपने सोचा कभी एंड्रॉयड है क्या? तो एंड्रॉयड क्या है? एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। जिस प्रकार हमारे कंप्यूटर में विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसी प्रकार हमारा मोबाइल में एंड्रॉयड क्या है? मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके बाद दोस्तों, हम लोग बात करते हैं अक्टूबर 2003 में किस कंपनी ने एंड्रॉयड का विकास शुरू किया था, यानी कि कौन सी वो कंपनी है जिसने इस एंड्रॉयड का विकास किया, वो है आपकी एंड्रॉयड इंक, यानी कि INC। जुलाई 2005 में किस कंपनी ने एंड्रॉयड INC का लगभग $5 करोड़ में अधिग्रहण किया था? तो ये है आपका गूगल। तो गूगल ने दोस्तों एंड्रॉयड इंक का लगभग $5 करोड़ में यहाँ पर अधिग्रहण किया था। एंड्रॉयड का नया वर्जन जिसका नाम है आपका एंड्रॉयड 8.0, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है दोस्तों ओरियो। एंड्रॉयड का एक नया वर्जन है एंड्रॉयड 8.0, इसका नाम है आपका ओरियो। विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना, जो आपका प्रेजेंट में कोई डॉक्यूमेंट है इसको चेंज करना, तो डॉक्यूमेंट में क्या कहलाता है? इसे बोलते हैं एडिटिंग। जैसे कि आप सभी जानते हैं, अगर हमें कुछ भी लिखना है, मिटालना है, दोबारा फिर से एडिट करना है, तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या कहलाती है? ये कहलाती है आपकी एडिटिंग। अब दोस्तों, कुछ और कंप्यूटर जीके में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं, शॉर्टकट की भी आप लोगों को, जो आपकी महत्वपूर्ण शॉर्टकट की हैं आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं अक्सर, उन्हें भी आपको पता कर लेना चाहिए। फिलहाल दोस्तों, आज हम कुछ महत्वपूर्ण शॉर्टकट की आप लोग के साथ डिस्कस करेंगे। सबसे इसमें हमने स्टार्टिंग में लिया है कि समग्र डॉक्यूमेंट यानी कि ऑल टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किसे प्रयुक्त किया जा सकता है? तो दोस्तों, फाइल को पूरी कॉपी करने के लिए हम लोग Ctrl+A का यूज़ करते हैं। इससे हमारा डॉक्यूमेंट जो होता है पूरा सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं एक बार में। अगर कभी भी आप लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चला रहे हो या फिर कुछ भी अगर चला रहे हैं, तो Ctrl+A से आप लोग बिल्कुल सेलेक्ट ऑल वहां पर कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, बात करते हैं एक्सेल की। तो MS एक्सेल यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए कौन सा विकल्प सही है? तो सबसे पहले दोस्तों, आप लोग इंसर्ट मेनू पर क्लिक करेंगे, उसके बाद वहां पर एक चार्ट ऑप्शन मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप लोग चार्ट कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको कई तरह के चार्ट मिलेंगे, बार चार्ट है, पाई चार्ट है, इस तरीके से तमाम चार्ट मिलेंगे, जो सा आपको चुनना हो वहां से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों, बात करते हैं सेव करने के लिए। तो किस कमांड की सहायता से हम किसी दस्तावेज को बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं? तो Ctrl+S दबा के किसी भी डॉक्यूमेंट को, किसी भी फाइल को हम वहां पर सेव कर सकते हैं। और दोस्तों, बता दें, शब्द संसाधन में डॉक्यूमेंट के भीतर टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं कट। यानी कि अगर आप लोगों ने एमएस वर्ड में कोई चीज लिखी है तो वहां से आप लोगों को कट करेंगे, तो Ctrl+X, ठीक है, कट करने के शॉर्टकट की आपको बताते हैं। कट की शॉर्टकट की होती है Ctrl+X, और उसे दूसरे स्थान पर पेस्ट करना, उसके लिए यूज़ करते हैं शॉर्टकट की Ctrl+V, ठीक है। तो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हम लोग कट पेस्ट का यूज़ करते हैं कंप्यूटर में। आप सभी को ये नॉर्मल सी बात पता होगी, लेकिन नहीं पता तो आपको बता दे रहे हैं कि कट की शॉर्टकट की होती है Ctrl+X, और पेस्ट की शॉर्टकट की रहती है Ctrl+B। इसके बाद दोस्तों, बात करते हैं स्प्रेडशीट में डेटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है। स्प्रेडशीट, जैसे कि दोस्तों आप लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में देखा होगा, एक टेबल तरह के बन के आती है, उसको बोलते हैं दोस्तों स्प्रेडशीट, ठीक है। तो उसमें डेटा जो है वो कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, वो आपका होता है रोज और कॉलम में, ठीक है, रो और कॉलम में उसमें डेटा ऑर्गेनाइज होता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर कहते हैं वर्ड प्रोसेसर, ठीक है, क्या कहते हैं? वर्ड प्रोसेसर कहते हैं। स्प्रेडशीट प्रोग्राम में किसके संबंध में वर्कशीट और डॉक्यूमेंट होते हैं? तो ये आपके जो स्प्रेडशीट प्रोग्राम में जो है वर्कबुक के संबंध में वर्कशीट और डॉक्यूमेंट होते हैं। और दोस्तों, आप लोग को कंप्यूटर में एक्सटेंशन भी आपको पता होना चाहिए। तो जैसे कि सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आपके सारे वर्ल्ड डॉक्यूमेंट की जो डिफ़ॉल्ट फाइल होती है, यानी कि अगर बात करें माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड की, तो इसका जो आपका एक्सटेंशन होता है ये होता है आपका .doc, ठीक है। अगर कोई भी वर्ल्ड की फाइल होगी तो उसका एक्सटेंशन लगा होगा, यानी कि उसके जो आगे लगा होता है वो होता है .doc। बात करें अगर दोस्तों एक्सेल की, तो लगा होता है .xls, ये आपके एक्सेल का एक्सटेंशन है। बात करें पावर पॉइंट की, तो दोस्तों आपको पावर पॉइंट का भी आपको एक्सटेंशन पता होना चाहिए, इसका होता है .ppt।
तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आप लोग के एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। आपको ये सभी फिलहाल एक्सटेंशन पता होने चाहिए। किसी दिन क्या करेंगे दोस्तों, जितने भी महत्वपूर्ण आपके एक्सटेंशन नेम है वो भी आपके क्लियर करा देंगे। तो इसके लिए आप लोग दोस्तों बने रहिए आप लोग अपने चैनल BSA ट्रिकी क्लासेस में। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किसी कॉलम में टेक्स्ट प्रेहक कौन अलाइन होते हैं? तो कौन सा अलाइन होता है आपका किसी भी टेक्स्ट में? लेफ्ट होता है। तीन टाइप के यहाँ पर अलाइनमेंट होते हैं आपके, लेफ्ट, सेंटर और राइट। अब बात करते हैं नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड की शॉर्टकट की क्या है। तो अगर कभी भी नई स्लाइड लेनी है, अगर पावर पॉइंट अगर आप लोगों ने यूज़ किया है या फिर कोई अन्य डॉक्यूमेंट, अगर आप लोग कुछ भी काम कर रहे हैं उसमें अगर आपको नई स्लाइड लेनी है तो उसके लिए शॉर्टकट की होती है Ctrl+N, यानी कि Ctrl+New। एन रिप्रेजेंट कर रहा है न्यू से, ठीक है। और दोस्तों बात करते हैं MS वर्ल्ड डॉक्यूमेंट में। MS वर्ल्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल जो लहर का एक निशान होता है वो क्या दर्शाता है? जैसे कि आप लोगों ने कभी भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर टाइपिंग की होगी, अगर उसमें स्पेलिंग में गलती हो जाती है तो वहाँ पर आपका रेड रेड कलर की एक धारीदार एक लाइन आ जाती है। तो वो क्यों आती है, इससे क्यों आती है? तो वो आती है स्पेलिंग में त्रुटि दिखाने के। वो क्या चीज़ शो करती है हमें? कि आपकी स्पेलिंग में मिस्टेक है, ठीक है। और देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है। कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है प्रोसेस माइक्रो प्रोसेसर, जो कि कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है माइक्रोचिप। क्या कहते हैं? माइक्रोचिप कहते हैं। किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है तो उस सूचना को कहते हैं इनपुट, ठीक है। और आउटपुट क्या कहते हैं? जो हमारे कंप्यूटर के अंदर से जो हमें रिजल्ट के रूप में प्रदान की जाती मिलती है वो हमारा आउटपुट कहलाता है। कंप्यूटर चलाने के लिए यूज़ किया जाने वाला डेटा या सूचना क्या कहलाता है, ठीक है। तो फिलहाल इसमें से कोई ऑप्शन हमारा सही नहीं है तो इसलिए यहाँ पर कोई नहीं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका, प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है? तो ये फाइल, ठीक है। प्रिंट अगर करना है किसी भी डॉक्यूमेंट को, अगर आपको प्रिंट करना है तो फाइल मेनू में आपको प्रिंट का ऑप्शन मिल जाता है जिस पर क्लिक करके आप लोग प्रिंट कर सकते हैं। वरना शॉर्टकट की है आपकी डायरेक्ट Ctrl+P, जिससे कि आप लोग उस डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। प्रयोक्ता दस्तावेज को जो नाम देते हैं वो है आपका फाइल नेम। कट कॉपी पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है? तो एडिट मेनू में आपको ये सभी ऑप्शन मिल जाते हैं। कट का शॉर्टकट की है Ctrl+X, कॉपी की है Ctrl+C और पेस्ट की है Ctrl+UV। रिलेटेड फाइलों के कलेक्शन को क्या कहा जाता है? तो रिलेटेड फाइलों के कलेक्शन को कहा जाता है डेटाबेस, ठीक है। माइकल एंजेलो वायरस है, ये किस टाइप का वायरस है? एक कंप्यूटर वायरस है जिसका नाम है माइकल एंजेलो। ये आपका एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस है, ठीक है। और दोस्तों बात करते हैं सारे कंप्यूटर में लागू होती है, तो सभी कंप्यूटर में मशीनी भाषा यानी कि आपकी बाइनरी लैंग्वेज समझता है कंप्यूटर सिर्फ, जो कि आपका 0 और 1 की फॉर्म में रहती है। एप्पल क्या है? यह जो फाइल है चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है। एप्पल क्या है? यह आपके 4th जनरेशन का एक टाइप का कंप्यूटर है। कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? तो यह है आपकी अनुपम। कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली को नकल करने वाला सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर होगा? वो है आपका क्वांटम कंप्यूटर। तो कौन सा कंप्यूटर है आपका? ये आपका क्वांटम कंप्यूटर मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर होगा। एक लोकप्रिय विंडोज एनवायरमेंट Windows 3 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्गत की गई थी, ये की गई थी आपकी 2000 में, ठीक है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं स्पैम की। आप लोगों ने देखा होगा कंप्यूटर में स्पैम, तो स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है? ये आपका कंप्यूटर से संबंधित है। एक अनुमान के अनुसार विश्व की 70% आबादी जिस वर्ष तक नगरों में सिमट जाएगी वह है 2050। इस साल तक 70% आबादी जो है वो नगरों तक ही सिमट जाएगी। फाइल को अक्सर क्या कहते हैं? फाइल को अक्सर कहा जाता है डॉक्यूमेंट परस्पर संबंधित रिकॉर्ड्स के समूह को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं डेटाबेस। डेटाबेस में क्या होता है? रिकॉर्ड का ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड होता है, वो डेटाबेस में आपका सेव रहता है। अब दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं कुछ करंट इंपॉर्टेंट के GK के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज हम आप लोग के साथ यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज के हमारे इस वीडियो में रहेंगे। फिलहाल दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको कंप्यूटर के क्वेश्चन काफ़ी पसंद आएंगे। तो दोस्तों अच्छे लगे तो लाइक वीडियो को जरूर कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम लगे तो हमारे साथ शेयर करते रहिए, ठीक है। कमेंट कीजिए, अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो रही है या कुछ समझ में नहीं आ रहा तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल दोस्तों बात करते हैं करंट इंपॉर्टेंट GK के महत्वपूर्ण क्वेश्चन की। क्या है? भारत और किस देश ने मिशन गगनयान में सहयोग के लिए सहयोग पर हस्ताक्षर किए? तो दोस्तों वो भारत के साथ कौन सा वो देश है जिसने इस मिशन पर यहाँ पर अपना सहयोग पर इसके हस्ताक्षर किए? तो वो है फ्रांस, ठीक है। कौन सा देश है? वो है आपका फ्रांस।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। जिस देश ने पहले बीमस्टेक सैन्य अभ्यास में भाग लेने से इनकार कर दिया, वो है आपका नेपाल। नेपाल देश ने पहले बीमस्टेक सैन्य अभ्यास में भाग लेने से इनकार कर दिया है। वह देश जिसने 10 सितंबर 2018 को अपनी राजधानी में फिलिस्तीन मिशन को बंद करने की घोषणा की है, तो वो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2018 उत्तराखंड के चौबटिया में 16 सितंबर से 29 सितंबर 2018 तक आयोजित किया जाएगा, तो वह अमेरिका। तो भारत और अमेरिका के बीच में यहाँ पर संयुक्त में सैन्य अभ्यास किया जा रहा है। कहाँ हो रहा है ये आपका दोस्तों? उत्तराखंड के चौबटिया में हो रहा है और ये 16 सितंबर से 29 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। ये क्वेश्चन दोस्तों हमने करंट अफेयर में भी आपके साथ डिस्कस किया था। करंट अफेयर में हम आपके साथ काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करते रहते हैं। आप सभी जानते हैं कि करंट अफेयर के आपके घटना चक्र के डायरेक्ट जो होते हैं वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में 4 से 5 पूछ लिए जाते हैं। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि करंट अफेयर आप लोग डेली के डेली जरूर देखा कीजिए, ठीक है। फिलहाल दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि किस राज्य सरकार ने 11 सितंबर 2018 को बिजली की दरों में बड़ी कटौती करने की घोषणा की है, तो यह है आपकी हरियाणा सरकार। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, देश का सबसे पुराना न्यूक्लियर रिएक्टर जिसे हाल ही में पहले से अधिक क्षमता के साथ 9 वर्ष बाद फिर से शुरू किया है, वो है आपका अप्सरा। चुनाव आयोग द्वारा राज्यसभा और विधान परिषद चुनावों के कहां-कहां पर राज्यसभा और विधान परिषद चुनावों के मत पत्रों से इस विकल्प को हटाने की घोषणा की गई, तो यह है आपका नोट है। जैसे कि आप लोग पहले आप लोग मत देने जाते तो वहां पर एक नोट है यानी कि नन ऑफ द अबव का एक ऑप्शन होता था, तो उसे दोस्तों चुनाव आयोग द्वारा हटाने के लिए यहाँ पर घोषणा की गई है। वह कौन सा देश है जिसके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने 3 आधारभूत परियोजनाओं का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया, ये है आपका बांग्लादेश। वह राज्य जिसने केंद्र सरकार की योजनाओं के लिए दिए जाने वाले राष्ट्रीय पुरस्कारों में 12 पुरस्कार प्राप्त किए हैं, वो है आपका उत्तर प्रदेश, यानी कि हमारा अपना राज्य उत्तर प्रदेश। इसरो के इस ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान से भारत के पहले व्यावसायिक उपग्रह को छोड़ा जाएगा, तो इसका नाम है दोस्तों PSLV C-42। अगला बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, क्या है वह कौन सा देश है जिसने अमेरिकी उत्पादों के आयात पर शुल्क बढ़ाया है, तो दोस्तों वो देश है कनाडा। प्रधानमंत्री के सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत मातृ मृत्यु दर को कम से कम करने हेतु किस राज्य सरकार को यहां पर सम्मानित किया गया है, तो दोस्तों वो राज्य है आपका मध्य प्रदेश। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कन्या वन समृद्धि योजना, कौन सी योजना है दोस्तों नाम है इसका, कन्या वन समृद्धि योजना नामक नई योजना की घोषणा की है, तो यह राज्य है आपका, यह राज्य सरकार है महाराष्ट्र की। विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में सबसे ज्यादा गरीबों की संख्या किस देश में, कौन सा ऐसा देश है जहां पर सबसे ज्यादा गरीब है, तो वह है आपका नाइजीरिया। कौन सा देश है? नाइजीरिया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, स्विट्जरलैंड के स्विस नेशनल बैंक द्वारा जारी सूची के मुताबिक 2017 में स्विस बैंकों में जमा रकम के मुकाबले में भारत जितने पायदान में पहुंच गया वो है आपका 73वें, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की, वह राज्य जहां 62 लाख बच्चों के लिए अन्नपूर्ण योजना जो है आपकी दुग्ध योजना आरंभ की गई है, वो है आपका राजस्थान। एशियन गेम 2018 में जो है किस शहर में आयोजित हुए हैं, तो ये हुए आपके जकार्ता में। जैसा कि हमने एशियन गेम्स की वीडियो में भी पूरा एक डिटेल से एक एशियन गेम्स की अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड की है, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी तो दोस्तों मैं आप लोग को ऊपर आपके स्क्रीन के ऊपर राइट साइड में एक आई आइकन का बटन मिलेगा जिस पर क्लिक करके आप लोग बिल्कुल एशियन गेम्स के बारे में जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं जो भी उसके महत्वपूर्ण जानकारी है, ठीक है, बिल्कुल फुल डिटेल से मैंने उसमें आपके साथ डिस्कस की है, तो दोस्तों आप लोग उस वीडियो यानी कि एशियन गेम्स को जरूर देख लीजिएगा। फिलहाल दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, वह बैंक जिसे भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारत में काम करने का लाइसेंस जारी किया है, वो है आपकी बैंक ऑफ चाइना। भारत ने किस देश को फाइनल में हराकर कबड्डी मास्टर्स दुबई 2018 का खिताब जीता है, तो वो है आपका ईरान। इस देश को हराकर फाइनल में ये दोस्तों दुबई में इन्होंने 2018 का खिताब जीत लिया है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज के क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी ज़्यादा पसंद आए होंगे, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, जो भी फ्रेंड्स आपकी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके साथ शेयर करते रहिए, ठीक है। हम आपके साथ हैं, बने रहिए आप लोग अपने चैनल BSA ट्रिकी क्लासेस में। मिलते हैं दोस्तों आप लोगों से इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।